अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी एंड यूनिक टिप्स। फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हर वीडियो की तरह आज की इस वीडियो में भी आप लोगों के लिए बहुत लेटेस्ट आइडियाज़, अमेजिंग डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आइंदा मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों की YouTube चैनल पर मिल जाए, जिसके कोई चार्जेस नहीं लिए जाते। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बहुत ही प्यारे प्यारे क्रोशेट में तुर्किश इयररिंग दिखाए जा रहे हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे स्टाइलिश इयररिंग डिज़ाइन हैं तुर्किश वाले। आप देखते हैं कि तुर्की में ऐसे डिज़ाइन कैरी किए जाते हैं इयररिंग के लिहाज से, वो ऐसे जैसे कि आप जानते हैं तुर्किश वाले लोग क्रोशेट की ज़्यादातर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए तुर्किश वाले इयररिंग्स भी ले आए वीडियो बनाकर, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि वहाँ के इयररिंग कैसे होते हैं क्रोशेट में। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ ये तैयार करते बनाए भी गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने एक ही वीडियो भी अपने चैनल पर लगाई है हैंड एम्ब्रॉयडरी लीफ की, तो प्लीज़ उसे भी ज़रूर देखें। बहुत प्यारा लीफ बनाया हुआ है पत्ता लीफ का, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये देखें येलो में ग्रीन में कितने प्यारे प्यारे कंट्रास्ट के साथ ये इयररिंग देखें कितना प्यारा लग रहा है। खुद ही हैंडमेड बनाए हुए हैं सारे के सारे तुर्किश इयररिंग्स। आपने देखा होगा फैंसी तो बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्रोशेट का एक अलग ही अपना वो लुक होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी, आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो कर लें मेरी वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बात लोग ऐसे होते हैं उन्हें वीडियो अच्छी भी लग रही होती है लेकिन वो वीडियो को लाइक नहीं करते। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन के जरिए ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी है, ताकि मैं अगली वीडियो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, यानी आप लोगों की राय के मुताबिक लेकर आऊँ, आप लोगों की ओपिनियन के मुताबिक लेकर आऊँ, आप लोगों के डिज़ाइन के मुताबिक लेकर आऊँ। फ्रेंड्स, ये ब्लू में देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये क्रोशेट में ये इयरिंग बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइन में है। ये ब्लैक और व्हाइट के साथ कंट्रास्ट कितना मैचिंग लग रहा है। अगर अपने अपने ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी कैरी कर सकती हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं और मार्केट से आपको इजीली परचेज भी हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, हम वो वीडियोस बना कर लाते हैं जो फैशन के लिए ऐसे मार्केट में बहुत ही होती है, ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चल सके कि आजकल कौन सा फैशन ज़्यादा चल रहा है, ताकि वो ऐसे आइडियाज़ मार्केट से परचेज कर सकें। क्योंकि हम यूट्यूब पर अक्सर बहुत सी वीडियोज़ होती हैं जो फेक होती हैं, लेकिन हम वो वीडियोज़ बना कर लाते हैं जो रियल होती है, ताकि हमारे व्यूअर्स को प्रॉपर आइडियाज़ मिल सके। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अमेजिंग डिज़ाइन में तुर्की शेयरिंग डिज़ाइन थे। ये बटरफ्लाई में देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कर दें, ताकि वो लोग भी मेरी वीडियो से मज़ीद फ़ायदा उठाएं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होंगी सारे के सारे आइडियाज़। बहुत अमेजिंग डिज़ाइंस में तुर्किश के इयरिंग्स दिखाई जा रहे थे। वैसे तो लोग ड्रामास भी बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ड्रेसिंग भी बहुत पसंद की जाती है तुर्किश की। वहाँ के एक्ट्रेसेस भी ऐसी कैरी करती हैं इयरिंग्स वगैरह, ज्वेलरी वगैरह। तो उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को प्रॉपर देखा करें, ताकि आप लोगों को प्रॉपर आइडियाज़ मिल सकें। इस वीडियो के साथ इजाज़त, आप लोगों के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।